मैं कहना चाहता हूं कि आप स्वयं सोचो कि अगर राम जी अयोध्या के राजा बन गए होते तो फिर केवट से कैसे मुलाकात होती, केवट का प्रसंग कहां से आता, ऋषि भारद्वाज का प्रसंग कहां से आता, सबरी का प्रसंग कहां से आता, हनुमान कहां से आते, सुग्रीव कहां से आते, अंगद कहां से आते और फिर रावण से कहां भेंट होती है, रावण से कहां भेंट होती है। वैसे कुछ हमारे साथ हो रहा है, वैसे कुछ हमारे साथ हो रहा है और इसी कारण से अयोध्या के संतों ने, मेरा मानना है कि भगवान ने मुझको जिस जिस काम के लिए आपके बीच में भेजा था, मैं समझता था कि मेरा सब काम पूरा हो गया, लेकिन इस घटना से पता लगता है कि मेरे लिए ईश्वर ने कोई काम और सोच रखा है, मेरे लिए ईश्वर ने कोई काम सोच रखा है। और अभी तो मैं नहीं कह सकता क्या काम सोच रखा है, लेकिन अयोध्या के संतों ने 5 जून को रामकथा पार्क में सरयू के किनारे पूरे देश के संत होंगे, उन्होंने एक आह्वान किया है और हम सब लोगों ने मिलकर के तय किया है कि संतों के आह्वान पर, पूज संतों के आह्वान पर हम कम से कम 11 लाख लोग इकट्ठा होंगे, 11 लाख लोग इकट्ठा होंगे और संत उस दिन बोलेंगे और देश सुनेगा, संत उस दिन बोलेंगे और देश सुनेगा। और इसलिए मेरे भाइयों आप सबसे आग्रह है, आप सबसे आग्रह है, संत जो भी बोलेंगे वो आपके ही लिए बोलेंगे, संत जो भी बोलेंगे वो आपके ही कल्याण के लिए बोलेंगे, और संत जो भी बोलेंगे आपके भविष्य के लिए ही बोलेंगे। हमारी आवाज को कोई नकार सकता है, संतों की आवाज को कोई दबा नहीं सकता है, कोई नकार नहीं सकता। इसलिए मैं आप सभी लोगों से विनती करता हूं, नौजवानों 5 तारीख को मोटरसाइकिल स्टार्ट कर देना अपने भविष्य के लिए। आंकड़ा आया है, कोई कहता है प्रति घंटा 200 नौजवान आत्महत्या करते हैं इस कानून के कारण, 200 नौजवान प्रति घंटा अपनी जीवन लीला को समाप्त करते हैं इस कानून के कारण। मेरे भाइयों मैंने संतों से कहा है कि उस मंच से हमारे प्रकरण की कोई चर्चा नहीं होगी, और हमने तो एक दिन तो मैंने बोला था चुनरिया झीनी रे झीनी, चुनरिया झीनी रे झीनी, अरे दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी जो की त्यों धर धीनी, चुनरिया झीनी रे झीनी, कोई दाग नहीं है, कोई दाग नहीं है, कोई शर्मिंदगी नहीं है, कोई शर्मिंदगी नहीं है, कोई साहस में कमी नहीं है। और मेरे भाइयों याद रखना, आपका ये भाई, आपका ये बेटा, आपका ये चाचा, सब कुछ हो सकता है, लेकिन जो आरोप लगाया है ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। लेकिन मेरे भाइयों मैं ज्यादा खुल करके नहीं बोल रहा, अधिकारों के लिए, अधिकारों के लिए क्रांति का बिगुल बजाना ही होगा, अधिकारों के लिए क्रांति का बिगुल बजाना ही होगा, और तो मेरी पीढ़ी को कुछ लहू चुकाना ही होगा, अब तो मेरी पीढ़ी को कुछ लहू चुकाना ही होगा। इसलिए 5 जून अयोध्या, 5 जून अयोध्या, संत बोलेंगे देश सुनेगा, संत बोलेंगे देश सुनेगा। हम अभी बोल नहीं रहे हैं, कोई बड़ा काम होना है, कोई बड़ा बड़ा काम होना पूरे देश के लिए होना है, भावी पीढ़ी के लिए होना है।
भावी पीढ़ी के लिए होना है, भावी पीढ़ी के लिए होना है, हमारे इन बच्चों के लिए होना है। आज जो चाहे जिसकी जिंदगी बर्बाद करते हैं, जो चाहे अगर कोई जिद कर ले कि मैं झूठ बोलने पर उतारू हो जाऊं, और कोई लड़का आईएएस बन रहा हो, आईपीएस का सपना देख रहा हो, सेना में जाना चाहता हो, कोई उतारू हो जाए तो उसकी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। मेरे भाइयों, मेरा इशारा समझो, अधिकारों के लिए क्रांति का बिगुल बजाना ही होगा, अब तो मेरी पीढ़ी को कुछ लहू चुकाना ही होगा।